अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक और न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डायनेमिक्स का ये है। इस न्यूमेरिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हम आगे देखेंगे। उसमें कह रहा है कि 100 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया गया है एक 10 किलोग्राम की गन से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वो पूछ रहा है गन पे क्या रिकॉइल हुआ होगा, मतलब गन जब रिकॉइल होती है उसकी रिकॉइल स्पीड क्या हुई होगी, सही है ना। तो हमें ये देखना है। ओके, तो अगर हम डाटा बनाएं तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास एक गन है जिसमें से बुलेट फायर हुई है। यस, एक गन है जिसमें से हमारे पास एक बुलेट फायर हुई है और 100 ग्राम की क्या है, बुलेट है, 100 ग्राम की एक बुलेट है। एंड आप देख सकते हो कि इसमें जो गन है वो कितने की है, वो है 10 kg की गन है। और इसमें जो बुलेट की जो स्पीड है, वी हम जिसको कहते हैं वेलोसिटी, ये वो है 100 मीटर पर सेकंड। बट हम यहाँ पर 1000 सपोज करेंगे। वाई, अगर आप इसको 1 सपोज करते हो तो आंसर विल बी द, ओके थोड़ा सा, यस आपसे आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। अगर आप वेलोसिटी को 100 सपोज करोगे तो आंसर आपका 1 आएगा, और जो बुक में आंसर दिया है वो 10 है। या तो आपको बुलेट का मास 1000 सपोज करना होगा या फिर इसकी स्पीड। सो हम जो है ज़्यादा अच्छी यही रहेगा कि हम इसको 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है प्रिपेयर करते हैं। ओके, हम इसमें हमने 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड रख दी। अब आप देखना इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा कैसे। अब देखो ये हमारे पास क्या है, मास 1, हमें जो है इसकी ये यहाँ वाली वेलोसिटी देखनी है, और ये वेलोसिटी जो है नेगेटिव में आएगी। मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, आंसर इन द नेगेटिव, क्यों, क्योंकि रिकॉयल पूछ रहा है और रिकॉयल में ये अपोजिट वर्क करेगी ना। आप देखना, अब ये पूछ रहा क्या है, ये इसने दिया है मास 1, दैट्स 10 किलोग्राम, सही है। उसका जो है नहीं, ये आई थिंक इट्स मास 2, और ये उसकी वेलोसिटी 2 जो हमें फाइंड करनी है। मास 1 जो हमें दिया है वो दिया है 100 ग्राम, जिसको मैं 1000 से डिवाइड करके कर दूंगा 0.1 किलोग्राम, इसका जो है किलोग्राम में से कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी 1 जो है मेरे पास क्या है, 1000 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो मैं मोमेंटम, अगर मुझे पता हो, अगर मैं मोमेंटम देखो तो मोमेंटम कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम में। अगर हमने तो मैंने बुलेट का मोमेंटम एंड गन का मोमेंटम अगर इनका सम करता हूँ तो दैट्स इक्वल टू 0, सही है। तो मैं बुलेट का मोमेंटम को रखूँगा यहाँ पे, तो बुलेट का मोमेंटम जो हमारे पास आएगा वो आएगा mv, इसका भी mv आएगा, प्लस का हम इसको उधर ले जाएंगे तो उधर आ जाएगा। तो यहाँ पे बुलेट का है तो m1v1, तो उधर हो जाएगा -m2v2। आई थिंक आप अब समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं m1 लूँगा, m1 क्या है 0.1 किलोग्राम, इंटू v1 लूँगा, दैट्स 1000 मीटर पर सेकेंड, माइनस m2 जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे 10 किलोग्राम है, तो हम यहाँ सिर्फ v2 रखेंगे। ओके, और जो है m2 को मैं इधर भेज दूँगा। जब मैं m2 को इधर भेजूँगा तो ये है 10। ओके, अब ये जो 0 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है पॉइंट है तो नीचे हम एक 10 और ले सकते हैं, मतलब यहाँ से एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो v2, अब ये जो माइनस के साइन है अगर हम इधर प्लस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, माइनस जो है सिर्फ हमें डायरेक्शन शो कर रहा है, तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम बल्कि लेंगे ओनली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो अगर आपको बुलेट और गन का फॉर्मूला दिखता, मतलब गन का जो कंसेप्ट आता है रिकॉइल करने का, उसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये ज़्यादा आपको बेटर रहता है। और इसमें आपको जो है यहाँ पे डायरेक्शन दिए, इससे कंफ्यूज मत होना कि माइनस प्लस आ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर माइनस आप नहीं भी लगाते हो तो आपका आंसर रिलायबल है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन शो नहीं करनी। हमने काइनेमेटिक पढ़ा हुआ, हमें इतना तो अंदाज़ा होगा कि भाई माइनस क्या साइन शो कर रहा है। ओके, और अगर आपने काइनेमेटिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ओके, दिस विल द आंसर, और बुक में भी ये आंसर दिया है। अगर मैं इसको 100 करता इसके वेलोसिटी को, तो फिर आपको पता है कि आंसर नहीं आता। तो ये देखो आपके सामने आंसर आ रहा है। ओके,
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पे आपको V2 दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।